बेटमा में भागवत कृपा सेवा समिति के तत्वावधान में चौथे वर्ष रविवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्थानीय चौधरी समाज धर्मशाला में 11 नव दंपतियों ने अग्नि को साक्षी मान बेदी के साथ फेरे लेकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। वहीं अतिथियों ने नव युगलों को आशीर्वाद प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक विशाल पटेल थे, जिन्होंने इस अवसर पर अपनी ओर से एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1 जनवरी से देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी परिणय सूत्र में बंधने वाली कन्याओं को एक विशेष उपहार स्वरूप कन्यादान का सेट दिया जाएगा, जिसमें दहेज के बर्तन, खाने का सामान, विवाह संबंधी सामान आदि आवश्यकता अनुसार शामिल रहेंगे। यह उपहार सामूहिक विवाह या घर से विवाह करने वाली सभी कन्याओं को दिया जाएगा। साथ ही इस सामूहिक विवाह में दिवंगत विधायक प्रतिनिधि संजय जैन की स्मृति में 5 कन्याओं के कन्यादान की राशि भी आयोजन समिति को भेंट की। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। वो घर में प्राइवेट करे या सामूहिक करे, उसमें एक सिस्टम पूरे बच्चियों के लिए, जो भी देपालपुर विधानसभा की बच्चियां रहेगी उनको एक पर्टिकुलर पूरा गिफ्ट का एक सेट, जैसे दहेज का जो आप देते हो इस टाइप का एक पूरा सेट हमारे द्वारा आजीवन चलता रहेगा। जैसे कृष्ण भागवत कृपा सेवा समिति विगत 4 वर्षों से प्रतिवर्ष बेटमा में निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रतिवर्ष 21 कन्याओं का विवाह किया जाता है। कोरोना के कारण इस बार परमिशन नहीं होने के कारण इस बार हमने मात्र 11 कन्याओं का विवाह किया है। आगामी वर्ष में भागवत कृपा सेवा समिति 51 कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन बेटमा की धरा पर करेगी और ये आयोजन जो है वो सभी दानदाताओं के सहयोग से भागवत कृपा कथाओं के माध्यम से, जो 6 दिन रुक्मणी विवाह के दिन जो दक्षिणा प्राप्त होती है उसके माध्यम से और दानदाताओं के कन्यादान करने के सहयोग से यह आयोजन बेटमा की धरा पर सफल होता है। आगे भी ऐसे आयोजन में आप सबका सहयोग बना रहे। धर्म की जय, राष्ट्र की जय, भारत माता की जय, जय श्री कृष्ण। देपालपुर विधानसभा में कोरोना काल के बाद एक अनोखी पहल वापस शुरुआत हुई, सामूहिक विवाह जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अंकुश लग गया था और वापस पुनः चालू हुआ है, तो समाज की कहीं ना कहीं कुरीतियां जो खत्म होती है और समाज का जो उत्थान होता है इस पर कहीं ना कहीं सामूहिक विवाह एक बड़ा योगदान देता है। उसी प्रकार से समिति हर वर्ष मैं इस पर आता भी हूँ, मेरे द्वारा सहयोग भी दिया जाता है, लेकिन मेरे विधायक प्रतिनिधि संजय जैन साहब नहीं रहे, उनकी स्मृति में 5 जोड़ों का विवाह आज हमारे द्वारा कराया गया है। इसके साथ ही नए वर्ष से 1 जनवरी से पुनः जितनी भी देपालपुर विधानसभा की जितनी भी बेटियाँ जो शादियाँ होती है, जिस व्यक्ति को भी जरूरत हो आप सीधे मुझसे या मेरे कार्यालय पर संपर्क भी कर सकते हैं। उसमें एक बाकायदा पूरा पैकेज रहेगा जिसपे खाने की व्यवस्थाएं, कुछ बर्तन की व्यवस्थाएं, कुछ अलग अलग सामग्रियां ऐसी हैं जो हमारे द्वारा देपालपुर विधानसभा की बेटियों को दिया जाएगा। उसपे एक पर्टिकुलर जिस प्रकार से सामूहिक विवाह के अंदर जो अलग से एक पैकेज गिफ्ट दिया जाता है, ऐसा ही गिफ्ट के तौर पर हम लोग हमारे द्वारा दिया जाएगा। और उनकी शादी में और उनके खाने में और उनका पूरा खर्च जो आता है वो लगभग उसके हिसाब से वो पूरा पैकेज बन रहा है जो हम लोग 1 जनवरी से संपूर्ण देपालपुर विधानसभा की बेटियों के लिए योजना चालू हो रही है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।